इस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा में लोकसभा एक प्रचंड रूप से लोकसभा जीती है। मेरे साथ में इस समय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के बेटे और दामाद दोनों मेरे साथ में मौजूद हैं। किस तरीके से खुशी व्यक्त कर रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, मेरे साथ क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी का इजहार कर रहे हैं लोग और कितने भरोसा था इस जीत पर? सबसे पहले तो जो भी आगरा के लोग हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ी बात ऐसा लग रहा है मुझे तो कि कोई एग्ज़ाम दिया था 18 तारीख को और उसका आज रिजल्ट आया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी हैप्पी। और सबने बहुत हार्डवर्क किया है सब ने, और मैं आगरा के जितने भी लोग हैं सबको बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आभार व्यक्त करता हूँ। सबके हार्डवर्क के साथ अगर बात की जाए तो आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की, लोगों के साथ में पहुँचे और ख़ास करके क्या देखा आपने वहाँ, एक मोदी लहर, मोदी के नाम पे भी वोट मिला, क्या कुछ? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि लोगों को बहुत बहुत अटैचमेंट है, ठीक है। हम लोग, मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लोगों के बीच गया, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे बड़ी बात तो है कि आम आदमी इतना अटैच है और इतना उत्साहित है, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। और आपको ये भी पता है कि अप्रैल थी, इतना आसान नहीं होता है, पर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। बघेल, पहले से कुछ जलेसर क्षेत्र में आपने कैंपेनिंग की, काफ़ी लोगों से मिले, मुलाकात की, तो लोगों में किस तरह की खुशी थी कि उनके दामाद हैं उनके बीच में, तो वो कुछ? इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि एकदम से हो के आना और इस तरीके से हो करना। पर सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अटैच्ड हैं और आगे भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, वहाँ से एमपी भी इतने साल करीबन 11 ईयर्स एमपी भी रहे हैं, तो उसका भी असर था, लोगों ने बहुत अच्छे से लिया और उसका आंसर आया, 6100 से हम लोग वहाँ से आगे रहे हैं, जिसकी उम्मीद अभी तक नहीं थी, रिकॉर्ड जीत है। डॉक्टर सलोनी है मेरे साथ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी खुशी आज हो रही है? खुशी तो बहुत है, बट उससे पहले मैं सभी आगरा के लोगों को और आगरा के देहात के लोगों को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी इतने कम समय की मेहनत को इतना बड़े फल से जिताया। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में लोगों का इतना प्यार मिल पाना, मैंने तो उम्मीद नहीं करी थी। पर आगरा ने और आगरा देहात ने सही डिसीजन लिया है इस चीज़ का मैं आपको पूरा वादा कर सकती हूँ कि जो हमने इलेक्शन के प्रचार के दौरान वादे किए थे या समस्याएं सुनी थी, आई एम श्योर कि 5 सालों में उन समस्याओं को पक्का दूर किया जाएगा। आप लोगों के बीच में पहुंची, पहली दफ़ा कैंपेनिंग की शायद आपने, तो दूसरी अच्छा एक विधानसभा एमएलए वाले, तो किस तरह के लोगों के रिएक्शन थे, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद एक जलेसर क्षेत्र में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, पापा के प्रति किस तरह का जोश था लोगों? सही बताऊँ तो जलेसर, जब से मैं हुई हूँ तब से पापा के साथ जलेसर है, मतलब जब से भाई हुआ है तब से पापा के साथ जलेसर है, तो वो पापा के दूसरी औलाद ही है वो जगह। पर जब 2009 में जलेसर को वो कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म कर दिया गया था, तो जितना पापा दुखी हुए थे इतना मुझे लगता नहीं कि हमारे रिजल्ट पर भी दुखी होंगे कभी। और जब दोबारा जलेसर आया और मिला है पापा को, मतलब इसी रूप में, आगरा के रूप में, मैं पकड़ लूँगी, तो तब भी ये एहसास हुआ कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए। एंड लोगों में उत्साह तो वही था पापा के लिए, मतलब मैं 2-3 गांव ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे 15 साल पहले सड़क बनी थी और वही सड़क अब अपने गिट्टी वाले रूप में आ गई थी बस। तो मतलब 15 सालों में वहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, पर 15 सालों तक वहाँ सड़क नहीं बनी है, जो आखिरी बार बनी थी वो मेरे पापा ने बनवाई थी और अब जो बनेगी वो भी मेरे पापा बनवाएंगे। क्या लगता है जिन लोगों के पास आप गए हैं वोट मांगने, तो उन लोगों को वादे भी किए होंगे, उन वादों को, क्योंकि बघेल साहब की बेटी आई है, वोट मांगा है तो शायद उन्होंने वोट दिया भी है, तो वो वादे पूरे करवाएंगे आप? करवाएंगे बिल्कुल, मैंने कल ही पापा को बोला कि 2 गाँव में तो मैं वादा करके आई थी, तो आपकी नाक की बात नहीं है, वहाँ मेरी नाक की बात है, तो आपको उन 2 जगहों पे तो काम करना ही है, क्योंकि वहाँ पे मतलब भूरी गढ़ी, नगला सूखा, ये 2 गाँव हैं जहाँ पे ना तो बिजली है ना पानी है, और वहाँ पे रहने वाले लोग कम से कम 500 लोग हैं, 500 से 800 की वहाँ पे जनता है, और वहाँ पे 5 किलोमीटर तक पानी का कोई सप्लाई नहीं है, कोई बिजली का सप्लाई नहीं है, तो वहाँ तो मेरी नाक की बात है, वहाँ पापा की नाक आती ही नहीं है, वहाँ मेरी नाक की बात है। श्रेय किसको देते हैं इस पूरी जीत का, और पूरे भारत में जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी एक मुस्त विपक्षियों को धकेल दिया पीछे, कोसों दूर धकेल दिया? देखिए मैं सच्ची बताऊँ, मैं भले एक पॉलिटिकल परिवार को बिलोंग करती हूँ, पर पर्सनली मैं नॉन पॉलिटिकल इंसान हूँ, मैं इंसान को देख के वोट करना प्रेफर करती हूँ। और क्योंकि मैंने बचपन से पापा को देखा है किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से लोगों को डील करते हैं, तो मैं कहूँगी ठीक है बीजेपी का सपोर्ट है जो है, बट पापा की खुद की पर्सनैलिटी का भी वोट है, एंड उस चीज़ को मैं फेवर करती हूँ कि लोगों ने उनका काम देखा है, लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया और तब वोट किया है।
बाकी तो ऑब्वियसली बीजेपी की लहर है ही, तो उसका तो श्रेय जाता ही है, बट पापा की पर्सनैलिटी को भी जाता है कि उन्होंने जो इतने साल काम किया लोग वो भूले नहीं है और आगे भी याद रखना चाहते हैं, तो इसलिए शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर सलोनी थी और उनके प्रोफेसर बघेल के दामाद थे मेरे साथ में शेखर, और पूरे तरीके से अपने एक्सपीरियंस आपने बताए हैं और जनता के बीच में जो वादे आप करके आए हैं कैंपेनिंग के दौरान, उन्होंने कहा है कि वो वादे प्रोफेसर बघेल के नहीं बल्कि इनके खुद के हैं और इनकी नाक खुद दांव पर लगी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन क्षेत्रों में किस तरह का विकास आप करवा पाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सपना है उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही, चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।